तो अब हम लोग पहुंच गए एपिसोड नंबर 2 पे. कितने घंटे हो गए हमें? हमें 3 घंटे हो चुके हैं और हमें एक एपिसोड शूट कर ली है. अब हम दूसरे एपिसोड पे पहुंच गए. अभी शेफ साहब हमें सिखाएंगे कि कफ चिकन कैसे बनाई जाती है. एपिसोड 2. Hello guys, welcome to another episode of Faiza Learns to Cook with Chef Saadat. Do you really learn? I don't know. Second episode is sikha kuch nahi hai maine. We're gonna make a stuffed chicken. You know, one of those appetizers to restaurant jaake khate hain, jo dip karte hain honey mustard sauce ke sath. Bhi mol rahe hain. Fresh karenge hum bag mein. Usually Ziploc bag achhe hote hain, mote hote hain, lekin since I don't have Ziploc bag, so. Dood ki thali. Haan. Aap mujhe bata dijiye ye process sahi hai. क्रश होनी चाहिए तो प्रोसेस की कोई कहानी नहीं है. जस्ट इन केस आप लोग, हमने अभी नहीं बताया, हम यहाँ पे स्टफ चिकन बना. मैंने बता दिया था. बता दिया. अच्छा शेफ, ये बताएं कि आपका बचपन किधर गुजरा, लाइक कौन से शहर में? I was born and raised in Karachi till I was 17 or 18. Then I moved to Australia for पढ़ाई के लिए. वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे तीर नहीं मारा. But then I lived there for 3-4 साल वहाँ गुजारे. फिर जब आया से पढ़ के आए, you didn't feel के वो नहीं, because यहाँ पे हाँ, अपने आप को समझ you have to हाँ you have to go through a process. Yeah. तो उससे करने के बाद फिर मैंने then उस दिन उस लाइक लार जब ऑस्ट्रेलिया में भी था तो I did lot of कौन सी जॉब्स कराती हैं? Odd jobs. Odd jobs. Odd jobs. And the good part, I did all those McDonald's, KFC, or pizza. Pizza or McDonald's, not KFC. There's a cheese in there. So can you get those cheese? Two types of cheese, right? I love this fridge, by the way. What a unique. You have taken it from where? This is a long story. Retro fridge. अरे अभी ना, I'm not a huge fan of that. बस चले डाल लेते हैं खाना तो और लोगों ने. मैंने मैं फ्राइड चिकन को मैं ऊपर से डाल देती हूँ, तो बिल्कुल मैं दफना देती हूँ. क्या क्या डिफरेंस क्या आता है सर शादी के बाद? पहले बताया क्या डिफरेंस आता है लाइफ में शादी के बाद? तो बता कि आपकी अदाबी इतनी अच्छी हुई है. अच्छा, किसी कोई आया और आपको कॉन्क्रीट कर लिया, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे? इवन भी जो लोग बहुत प्यार मोहब्बत में शादी करते हैं, मैं कहता हूँ बॉस ये एक मेरे पास सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वो होता यही है कि बिकॉज खवातीन की मुझे लगता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं. चांस ताले तोड़ना कि ओवर प्रॉमिसिंग हो सकता है या फिर एक्सपेक्टेशंस हाई हो सकती है. आई थिंक बोथ बोथ बोथ. मैं दोस्तों ये मशवरा देता हूँ, प्लीज डोंट ओवर प्रॉमिस थिंग्स. अच्छा, अब माशाल्लाह आई एम लकी बिकॉज माय हस्बैंड एंड आई वी बीन टुगेदर फॉर 5 इयर्स. माशाल्लाह, 5 साल से माशाल्लाह में हम साथ हैं तकरीबन. तो हमें प्रीटी मच पता था कि अगर सामने वाला ओवर प्रॉमिस कर रहा है या किसी की ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, वो कैसे मैनेज कर रहा है. आई थिंक कि फैमिलीज को जनरली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एंड ये भी नहीं बताना चाहिए फैमिलीज को कि अच्छा तुम्हारे हस्बैंड की या तुम्हारी वाइफ की बात हमें कम अच्छी लगी. जो खुलेगा वो तुमने बनाया हुआ होगा. तो हाँ, ये आप कैसा बना? बहुत अच्छा बना. मैं खा तो लूँ पहले मैं खा तो लूँ, बाद में बोलूँ, मुझे टेक बाद में लेना भाई. शेफ ने हमें बहुत ज्यादा अच्छी मैरिटल एडवाइस दी इस एपिसोड में. नेक्स्ट एपिसोड में हम उनकी मैरिड लाइफ की डिटेल जरूर लेंगे. मैं मुश्किल में फंसने वाला हूँ. एपिसोड 2 डन. इतनी गर्मी थी, आई डोंट थिंक हम रियलाइज करते हैं किचन में जो खवातीन टाइम गुजारती हैं, जो पूरा दिन गुजारती हैं और नाश्ता, दोपहर का खाना, डिनर, एवरीथिंग सब कुछ कर रही होती हैं, उनको कितनी गर्मी लगती है, कितनी मेहनत करती हैं. आई थिंक हम बहुत प्रोग्राम लेते हैं, हम बोलते हैं अम्मी ये बना दीजिएगा, वो वी नेवर नो के एक्चुअली वी डू नो आई नो, बट क्या एक्सटेंट होती है वो आज पता चली. इतना इतना गर्मी लग गया हमको, इट्स वेरी हॉट.